इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। अगर पाकिस्तान इतना ही पसंद है तो भैया पाकिस्तान ही चले जाओ, खाओगे यहाँ का और गाओगे कहीं का। अति उत्तेजना और अति उत्साह में बोले गए इन वाक्यों ने मेरठ एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह को चर्चाओं में ला दिया। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने इस बयान को शर्मनाक बताते हुए अखिलेश नारायण को बर्खास्त करने की मांग की है, तो एडीजी प्रशांत कुमार ने उन्हें क्लीन चिट देते हुए कहा है कि उनकी जाबाजी पर सवाल या निशान लगाना उचित नहीं है। अलबत्ता अखिलेश द्वारा शब्दों का चयन और बेहतर किया जा सकता था। वहीं एसपी सिटी अखिलेश नारायण ने सफाई दी है कि पाकिस्तान समर्थन में नारेबाजी लगा रहे कुछ युवकों को देखकर उन्होंने उन्हें पाकिस्तान चले जाने की बात कही है। पुलिस के आला अफसर भी एसपी सिटी की थ्योरी को दोहरा रहे हैं, लेकिन वह ऐसा कोई वीडियो पेश नहीं कर पाए जिसमें युवकों को पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हुए दिखाया गया हो। दिलचस्प बात यह भी है कि CAA के विरोध के दौरान जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ मीडिया मौजूद थी, वहां कहीं से भी ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई है जहां युवकों को पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हुए पाया गया हो। जिस बात को आधार बनाकर एसपी सिटी व एडीजी बयान दे रहे हैं वह भी हवा हवाई निकली। स्वयं एसपी सिटी ने फर्स्ट बाइट से स्वीकार किया कि उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है। CAA को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक रूप से हिंसक प्रदर्शन हुए। उत्तर प्रदेश इन विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में रहा और यही कारण रहा कि प्रदेश के करीब 21 जिलों में कानून व्यवस्था प्रभावित रही और इन पर नियंत्रण पाने के लिए शासन स्तर पर इंटरनेट बंद कर दिया गया। 20 दिसंबर को जुम्मे की नमाज के बाद मेरठ व आसपास के जिलों में हिंसा व आगजनी की कई घटनाएं हुई। मेरठ में इस्लामाबाद की पुलिस चौकी को बिल्कुल फूंक दिया गया। इस दौरान ही इसाड़ी गेट की एक गली में ADM सिटी के साथ पहुंचे एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह के तीखे तेवर दिखाई दिए। आइए पहले देखते हैं वो वीडियो जिसने अखिलेश की चर्चा मेरठ की सीमा से निकाल कर देश के राजनीतिक गलियारों तक पहुंचा दी है। वो तो ठीक है, जब गाली पड़ती है गली पड़ती है। हां, नहीं गलत बात है, बता रहा हूं। लोग काम कर रहे हो, वो बंदो को पाकिस्तान कर रहा है। टीचर काला होने में ना लगेगा सेकंड नंबर के, ये सेकंड नंबर सब कुछ काला पट्टी नहीं, जिंदगी भी काली नहीं है। नहीं नहीं गलत बात है, देश में रहना नहीं रहने के मन में चले जाओ। नहीं सही बात है, आओगे यहां गांव के कहीं और का बताओ सबों को कैसे फोटो ले लिया, बता देना फिर। अखिलेश नारायण के इस बयान पर राजनीतिक गलियारों में तीखी आलोचना हुई है। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट अखिलेश के फेवर में भी नजर आए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। इसमें प्रियंका ने कहा है कि भारत का संविधान किसी भी नागरिक के साथ इस भाषा के प्रयोग की इजाजत नहीं देता है और जब आप अहम पद पर बैठे अधिकारी हैं तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। भाजपा ने संस्थाओं में इस कदर सांप्रदायिक जहर घोला है कि आज अफसरों को संविधान की कसम की भी कदर नहीं है। कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस बयान को शर्मनाक बताते हुए अखिलेश नारायण को बर्खास्त करने की मांग की है। यूं तो यह वीडियो पहले ही दिन प्रकाश में आ गया था, लेकिन अब यह एकाएक हिट चर्चा का केंद्र बन गया है। यहां तक कि पुलिस के ADG प्रशांत कुमार को अखिलेश के पक्ष में उतरना पड़ा। आइए पहले देखते हैं क्या कहा ADG प्रशांत कुमार ने। सर्वप्रथम तो मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी को, ये जो तथाकथित वीडियो है ये 20 तारीख का है और ये 27 तारीख की रात को जारी करने के पीछे क्या मंशा है। अगर ये घटना थी तो उसी दिन जारी होना चाहिए था। दूसरा, वहाँ पर जहाँ की ये घटना दिखाई जा रही है उससे स्पष्ट है कि वहाँ पत्थरबाजी हो चुकी है और ADM सिटी और SP सिटी वहाँ स्थिति को नियंत्रण करने गए हैं। वहाँ पर भारत विरोधी नारे और पड़ोसी देश के फेवर के नारे लग रहे थे, PFI और SDPI के पर्चे बांटे जा रहे थे। वैसी स्थिति में
जहाँ पूरे देश पूरे मेरठ में घटनाएं हो रही थी। मेरा स्पष्ट मानना है कि शब्दों का चयन कुछ बेहतर हो सकता था, लेकिन फिर भी अधिकारियों ने संयम का परिचय देते हुए वहाँ न तो लाठीचार्ज किया, न तो कोई फायरिंग की, और वहाँ जो अन्य पब्लिक के लोग थे उनको ये बात कड़े शब्दों में समझाई और ये बताया गया कि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ इस शहर में उपद्रव न करें। आपको पता होगा कि उस दिन कितनी यहाँ पर लोगों ने, उपद्रवियों ने हिंसा की, और कल शुक्रवार को जब सभी लोगों ने, पुलिस ने, प्रशासन ने और यहाँ के आम जनता ने शांति व्यवस्था भंग नहीं होने दी, तो एक साजिश के तहत रात को ये वीडियो चलाया गया और इसको तथ्यों को मरोड़ के दिखाया जा रहा है। जिन कठिन परिस्थितियों में पुलिस ने हिंसा और उपद्रवी पर काबू पाया लोगों के सहयोग से, उसकी खिल्ली उड़ाना, उसको रेडिक्यूल करना प्रॉपर नहीं है। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे अधिकारियों के द्वारा शब्दों का चयन कुछ बेहतर हो सकता था, लेकिन उस कठिन मनस्थिति में जबकि शहर एडीएम सिटी और एसपी सिटी इंचार्ज होते हैं, वहाँ इतनी घटनाएं हो रही थी, हो सकता है उत्तेजना में कोई बातें कही गई हों, लेकिन उस चीज़ों को, शब्द को पकड़ के पूरे कार्य करने के भाव को चैलेंज करना ये उचित नहीं है। अब जबकि विवाद मेरठ की सीमाओं से बाहर निकल गया है, तो एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह ने भी सफाई दी है। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं अखिलेश। ये लिसाड़ी चौकला से जब हम भूमिया पुल वाले नूरनगर साइड में जाते हैं तो एक गली में सूचना मिली, हमें और रेडियम सिटी थे, कुछ फोर्स हमारे साथ था, कि वहाँ पर कुछ लड़के उत्पात करने के चक्कर में थे, उस दिन काफ़ी बवाल चल रहा था। तो हम रेडियम सिटी जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ कुछ लड़के खड़े थे, जिसमें कुछ लड़कों ने हम लोगों को देखते ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हुए गली में दौड़ लगा दिया। तो उसे एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि ये जो इनका नेचर है, वो जो सूचना मिली है उससे तालमेल है और ये बवाल करा सकते हैं। इसके आधार पर गली में भागे, वो अंदर भाग गए, कुछ लोग मिल गए और उनको डांट फटकार इसमें किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने का जो तरीका था वो ठीक नहीं था। उनसे उन लड़कों के लिए कहा गया कि ये गली, क्योंकि उसी गली से आए थे तो वो गली हमने याद किया कि इस तरीके का वांछनीय तत्व इसमें रहते हैं। मैंने कहा कि अगर इस तरीके की बातें आप करते हो तो जहाँ का तुमको ज़्यादा पसंद है फिर वहीं जाओ। पाकिस्तान चले जाने के लिए कहा गया? हाँ, उसमें उन्होंने जब पाकिस्तान जिंदाबाद किया फोर्स को देखकर और जो माहौल चल रहा था उसमें ये उनकी ये नारेबाजी आपत्तिजनक थी, तो मेरे द्वारा उनसे ही कहा गया कि अगर उनसे ज़्यादा प्यार है और यहाँ से इतनी नफरत है कि पत्थर चलाने की और इस तरह की हरकत करने की नौबत आ गई है तो फिर ये ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल, उनकी पहचान होगी, मुकदमे में कनेक्ट करेंगे उनको, उनकी पहचान चल रही है। बिल्कुल, जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये तो ऐसे माहौल में अगर आप नारे लगाते हैं, अमेरिका जिंदाबाद, सारा जिंदाबाद होता रहे, लेकिन जिस समय ये सब बवाल चल रहा हो उसमें आप खास इंटेंशन से और भाग रहे हो और ऐसी सूचना उस गली की मिली है तो ये तो ठीक नहीं था। किस उम्र के लड़के होंगे लगभग, अगर देखा जाए कि मैच्योर थे क्या रहे होंगे? 18 20 22 इसी उम्र के लड़के थे, 25 साल इस टाइप के लड़के थे वहाँ पर। सर, जिंदगी काली करने के लिए भी कुछ ऐसी बात कही गई कि हम जिंदगी काली कर दी जाएगी? नहीं, उन लोगों का काली का मतलब है कि अगर वो जेल में जाएंगे तो उनकी जिंदगी काली रहेगी। इस सफाई में एसपी सिटी अखिलेश बता रहे हैं कि कुछ गली में कुछ युवक पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे, इसके चलते ही उन्होंने उन्हें पाकिस्तान चले जाने के लिए कहा था। यह बात दीगर है कि एसपी सिटी अखिलेश नारायण व एडीजी प्रशांत कुमार के पक्ष को पुख्ता करने वाली ऐसी कोई खबर अथवा वीडियो इस एक सप्ताह के बीच सामने नहीं आई है जिसमें प्रदर्शनकारियों अथवा उपद्रवियों द्वारा पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हुए दिखाया गया है। इसे देखकर कहा जा सकता है कि न खाता न बही, जो ये कह दे वो सही। इस बारे में उन्हें एसपी सिटी अखिलेश नारायण से बात की गई और पूछा गया कि क्या उनके पास ऐसी कोई वीडियो है जिसमें पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, तो उन्होंने इनकार कर दिया। आइए सुनते हैं क्या बता रहे हैं अखिलेश नारायण। मैं भाई साहब ये कह रहा था कि वो जो पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान के समर्थन में उन्होंने नारे लगाए थे, उसकी कोई वीडियो वगैरह है क्या आपके पास? उसकी वीडियो तो हमारे पास नहीं है, वीडियो भी जिसने बनाई थी तो हमको ये भी नहीं आता किसने बनाई है, हमको उपलब्ध नहीं हो सकती ताकि हम चैनल पे ये दिखा सकें कि वाकई में उन्होंने पाकिस्तान, इसलिए वहाँ पर
वहाँ पर तो आगे थोड़ा दूरी पर एसएसपी डीएम वहाँ फंसे हुए थे, काफी फायरिंग पथरा हो रहा था। उधर जा रहा तभी सूचना मिली कि इस गली पर भी बवाल हो जाएगा, बीच में सब लोग भेज जाएंगे, इसको तुरंत अटेंड कर लीजिए। तो हम लोग तुरंत वहाँ पहुंचे, वहाँ जैसे पहुंचे वहाँ करीब सैकड़ों संख्या में लोग रहे होंगे, जो लड़के थे चार पांच, वो अपना तुरंत भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक मारे लगाते हुए अंदर गली में भागे। हम लोग दौड़ाए लेकिन वो सब काफी गली निकल गए, चार छह लोग उनके साथ के रुक गए। उनसे मैंने पूछा भाई ये कौन है, तो बताया हमारे उपस्थित नहीं है। फिर मैंने डांटा फोड़ करा इनको, और गौर करेंगे पूरे वीडियो मैंने कहीं एक किसी धर्म का उल्लेख नहीं किया होगा। बात करे और पाकिस्तान के समर्थन नारे लगा रहा हो, अगर हमारा देश नहीं पसंद है, कोई और देश पसंद है, तो उसमें कोई रोक तो है नहीं। बनी रहेगी हमारे इस मुद्दे पर भी नजर, देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।